हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिनदहाड़े दो महिलाओं को सोने का बिस्किट दिखाकर जेवरात पर नकदी लूट प्रकरण में आखिरी 13वें दिन पुलिस के हत्थे चढ़ी दोनों लुटेरी महिलाएं मंदसौर मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। तख्तगढ़ थाना क्षेत्र में 13 दिन पूर्व दिनदहाड़े लुटेरी महिला गैंग की दो महिलाओं ने कस्बे के पादरली प्याव से रामदेव गली निवासी दो महिलाओं को सोने के बिस्किट देने का लालच देकर दोनों महिलाओं से दिनदहाड़े सोने के जेवरात पर नकदी ठगी कर फरार होने व 4 दिन बाद महिलाओं द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के दिशा निर्देशों अनुसार सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई महिलाओं के फुटेज को खंगालते हुए तुरंत लुटेरी गैंग का पर्दाफाश करने के निर्देश पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर आखिरी 13वें दिन दोनों लुटेरी महिलाओं को मंदसौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर राजपाश करने में तख्तगढ़ पुलिस को लंबे समय बाद बड़ी सफलता मिली है। दोनों महिलाएं निवासी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। वहीं थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला से सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। दोनों महिलाओं को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राजेंद्र चौधरी थाना अधिकारी तख्तगढ़ इन्होंने ये कहा। तख्तगढ़ कस्बे के अंदर रामदेव गढ़ी के अंदर प्यारी देवी की तरफ से थाना पर एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दो महिलाएं जो तख्तगढ़ निवासी नहीं थी, बाहर की थी, वो उसकी और उसकी एक सहेली है गोदावरी देवी, उसको सोने के बिस्कुट का झांसा देकर और उनसे गहने वगैरह हड़प करके लेके चली गई थी। जागरूक टीवी का तख्तगढ़ से खास रिपोर्ट।